हम लोग पढ़ लिख के सर रोड पर आ रहे हैं, हमारे माँ बाप हमारे पढ़ाने के लिए खेत तक बेच देते हैं, और उसके बाद क्या होता है सर, हम रोड पर आके पुलिस को मार खाते हैं। वो क्या रोकेंगे, न खान सर के कहने पर छात्र सड़क पर उतरे थे अपने सवालों को लेकर, जो उनके साथ नौकरी के नाम पर भद्दा मजाक सरकार ने किया उस सवाल पर छात्र उतरे, न ही खान सर के कहने पर उतरे थे और न ही खान सर के कहने पर रहमान सर के कहने पर वो लोग अपना आंदोलन वापस लेंगे। कैसे हम लोग रूल को इंप्लीमेंट करते हैं बता देंगे, कैसे सरकार चलाया जाता है, क्या समझ लिया कि बेवकूफ सब रोड पे उतरा है यहाँ पे सरकार। तब जाकर हम पढ़ते कर्जा लेकर और उसके बाद सर हमारे साथ यह हाल होता है, हम पढ़ लिख कर यही मार खाना है पुलिस के सर, इसीलिए पढ़े कि हम रोड पर हंगामा करें, इसलिए पढ़े क्योंकि यहाँ का सरकार निकम्मा है। सुशील मोदी रेलवे बोर्ड के डायरेक्टर है, सुशील मोदी कोई रेलवे बोर्ड का अधिकारी है क्या, वह देश के रेल मंत्री है क्या, वह देश के प्रधानमंत्री है, सुशील मोदी कौन है? सुशील मोदी झूठा नेता है, बिहार के पहले मुख्यमंत्री था, बिहार के बर्बाद कर दिया है, छात्र आज देखिए उनके बातों में झांसे में नहीं आया है। सरकार तक बात कैसे पहुंचेगी, हम रोकेंगे नहीं बस को तो, जब ट्रेन को रोकेंगे नहीं, चक्का जाम नहीं करेंगे तो सरकार तक बात कैसे पहुंचेगी। उन्होंने बोला है कि ग्रुप डी का पीटी होगा, मेंस होगा, इंटरव्यू होगा, फिजिकल होगा, मेडिकल होगा, आईएएस का एग्जाम है, आईएएस का एग्जाम है, जो साला गरीब लड़का पढ़ रहा है आपको भैंस बैल बेच के झोपड़ी में रहकर क्या वो आईएएस का एग्जाम दे रहा है। नमस्कार, मेरा नाम सुशांत पांडे और आप द इंडिया टॉप देख रहे हैं। आरआरबी एनटीपीसी के छात्रों ने आज बिहार बंद का आह्वान किया था, ऐसे में सभी दलों का उनको सहयोग मिला था, आयशा ने भी सहयोग किया है। देखिए आयशा गांधी मैदान से डाक बंगला चौराहे की तरफ बढ़ रही है। कल जिस तरह से सुशील मोदी ने एक वीडियो जारी किया, जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने भी ट्वीट किया और कहा कि आरआरबी ने छात्रों की मांगों को मान लिया है, तो आप लोग फिर आज क्यों बिहार में? सुशील मोदी झूठा नेता है, बिहार के पहले मुख्यमंत्री था, बिहार के बर्बाद कर दिया है, छात्र आज देखिए उनके बातों में झांसे में नहीं आया है, छात्र बंदी के लिए रोड पर उतर गए हैं, आप भी चलिए हमारे साथ बंदी को सफल करिए। बंदी आज बंदी रहेगा, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए ये तस्वीर देखिए किस तरह से आयशा जो है वो राम राम से, कल जिस तरह से सुशील मोदी ने एक वीडियो बनाया और कहा कि रेलवे ने आपकी मांगों को मान लिया है, फिर आज बिहार क्यों? सुशील मोदी रेलवे बोर्ड के डायरेक्टर है, सुशील मोदी कोई रेलवे बोर्ड का अधिकारी है क्या, वह देश के रेल मंत्री है क्या, वह देश के प्रधानमंत्री है, सुशील मोदी कौन है, वह कौन है? इस तरह की बातों को करने वाले रेलवे बोर्ड के जो जिम्मेवार लोग हैं वह सीधे तौर पर आए और जो गलती हुई है उसका गड़बड़ियों को सुधार करते हुए नोटिफिकेशन जारी करे। यह जो छात्र कमेटी का छात्र का समर्थन मिलेगा आज आपको? बिल्कुल, आप देख रहे हैं सब जगह बिहार पूरा बंद है और पूरा छात्र रोड पर है, यह है आपका यह तय बात है। हम इस बात को भी कहना चाहते हैं कि जो जांच कमेटी के नाम पर जो झांसा दे रहे हैं या यूपी चुनाव तक टालने की कोशिश कर रहे हैं, चार मार्च को जांच कमेटी की रिपोर्ट आएगी, उसके बाद आरआरबी अपना नोटिफिकेशन जारी करेगा। क्यों 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 ऐसी स्थिति बनी हुई है, छात्र समझ रहे हैं ये जो बरगलाने की कोशिश हो रही है इसे मंजूर नहीं करेंगे। तो देखिए किस तरह से आयशा ने सिर्फ लॉलीपॉप देने का काम किया जा रहा है, झांसा देने का काम किया जा रहा है जी, बिल्कुल। यूपी में चुनाव है, चुनाव को देखते हुए भाजपा ने जांच कमेटी बैठाने का काम किया और छात्रों को लॉलीपॉप देने का काम कर रही है। आज पूरा बिहार बंद है, हम लोग छात्रों के समर्थन में है, पहले भी थे अभी भी है आगे भी रहेंगे जी, बिल्कुल रहेंगे। ये सरकार जो भी नियम रूल को इंप्लीमेंट करती है ये इलेक्शन को देखते हुए करती है। ये सरकार जब भी कोई भी देखिए कि चाहे कृषि बिल हो, चाहे जॉइंट को लेकर हो, चाहे बैंक कर्मी हो, चाहे रेलवे कर्मी हो, आज जितना छात्र आज है सारा रोड पर उतर गया, इसका बताइए कौन ऐसा इस कम्युनिटी है जो रोड पर नहीं उतरा है। लेकिन जदयू और पक्ष मतलब बीजेपी और जो यहाँ पर एनडीए की सरकार है उसके नेता कह रहे हैं कि इनको छात्रों का समर्थन नहीं मिलेगा। सर ये कहाँ से बोलेंगे, इनको सत्ता से प्यारा है, इनको सत्ता एग्जाम दिए हैं, एनटीपीसी का हम खुद एग्जाम दिए हैं और 85 नंबर है मेरा। आप वहाँ बैठा करके देखिए कैसे हम लोग रूल को इंप्लीमेंट करते हैं बता देंगे, कैसे सरकार चलाया जाता है, क्या समझ लिया कि बेवकूफ सब रोड पे उतरा है यहाँ पे सरकार। अरे मास्टर डिग्री लेकर के इंग्लिश ऑनर से करके और रोड पे उतरे हुए हैं। आप लोग लगातार आप लोग ट्वीट कर रहे थे, आंदोलन भी हुआ तो तब तक कोई ट्वीट नहीं आया ना किसी का वीडियो आया, लेकिन जैसे ही 28 तारीख को बिहार बंद का आह्वान हुआ
सभी ने ट्वीट करना शुरू कर दिया, सुशील मोदी ने वीडियो तक जारी कर दिया। ये सब आंदोलन को रोकने का तरीका है। का बेटा मौज करता है विदेश में, लेकिन हम लोग पढ़ लिख के रोड पर आ रहे हैं। हमारे माँ बाप हमारे पढ़ाने के लिए खेत तक बेच देते हैं, और उसके बाद क्या होता है सर, हम रोड पर आके पुलिस के मार खाते हैं और वो लोग हीटर रूम में बैठ के अपना योजना बनाता है। क्या होता है सर उससे, सर हम लोग के पढ़ाने के लिए 10 साल हमारे माँ बाप अपने पसीना से खेत बेचते हैं, तब जाकर हम पढ़ते कर्जा लेकर, और उसके बाद सर हमारे साथ यह हाल होता है। हम पढ़ लिख कर यही मार खाने हैं पुलिस के, सर इसीलिए पढ़े कि हम रोड पर हंगामा करें, इसलिए पढ़े क्योंकि यहाँ की सरकार निकम्मा है। मोदी नीतीश को सर, सर असल में मोदी नीतीश के पास बाल बच्चा नहीं है, तो सर वो दूसरे को दर्द कैसे समझेगा सर। कुमार के पास है बेटा है, एक तो असल हो गया जब टंच रहता है सर। आज बिहार में दारू बंद है सर, दारू नहीं बिकता है क्या? लेकिन सर यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ गरीबों को हम लोग के सर दबाया जाता है सर, हम लोग के मामी पर इतना कर्जा करके पड़ा है सर। 1970 में जेपी आंदोलन हुआ था, और उसी में गुजरात से आंदोलन हो करके बिहार यूपी तक दिल्ली की सत्ता को उखाड़ फेंका था। ये सरकार वही छात्र है, आज भी वही छात्र है जो बिहार से लेकर के यूपी से होते हुए दिल्ली तक इसको सत्ता, अभी बिहार यूपी में जाएगा सत्ता, उसके बाद ये दिल्ली में 2024 में सत्ता ये एजेंडा उखाड़ फेंकेगी। पहले तो सरकार ने छात्रों पर दमनात्मक कार्रवाई किया और उनके साथ लाठी चार्ज किया, उनके आंदोलन को बदनाम करने के लिए। आप पता कर सकते हैं कुछ जगहों पर उपद्रवियों को आंदोलन में घुसाकर ट्रेन भी जलवाए सिर्फ आंदोलन को रोकने के लिए, और जब उससे भी नहीं हुआ तो अब खान सर को आगे करके, रहमान सर को आगे करके इस आंदोलन को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। देर रात खान सर ने एक वीडियो बनाया और कहा कि कृपया करके छात्र कल बंद को समर्थन ना करें, राजनीतिक मुद्दा ना बनने दें। ये पूरी तरह पॉलिटिकलाइज है। वो क्या रोकेंगे, ना खान सर के कहने पर छात्र सड़क पर उतरे थे अपने सवालों को लेकर, जो उनके साथ नौकरी के नाम पर भद्दा मजाक सरकार ने किया उस सवाल पर छात्र उतरे, ना ही खान सर के कहने पर उतरे थे और ना ही खान सर के कहने पर, रहमान सर के कहने पर वो लोग अपना आंदोलन वापस लेंगे। ये छात्रों का सवाल है और छात्रों के साथ अन्याय हुआ, सरकार किसी भी तरह का अतिक्रम कर ले, लाठी बरसा दे, गोलियां बरसा दे या आंसू गैस के गोले दागे, लेकिन ये आंदोलन रुकने वाला नहीं है। किस तरह से बस को रोका जा रहा है, ये देखिए, ये तस्वीर देखिए, किस तरह से बस को रोका जा रहा है। इसमें यात्री हैं, मौजूद है, यात्री सभी बस में भरे हुए हैं, और किस तरह से देखिए, आज बिहार बंद है, यही सरकार हम लोगों की बात सुन रही है क्या? हम लोगों को क्यों मरगरा रही है तालिक पे तालिक देखकर? आज जब पूर्ण रूप से बोल दिया गया बिहार बंद है, तो सरकार को बात समझ में नहीं आती है क्या? सरकार को बात समझ में नहीं आती है क्या? हम लोग गुगुर प्रदर्शन करेंगे, ट्रेन जलाएंगे, तब हम हम अनुचित कर रहे हैं, ये गलत काम कर रहे हैं, लेकिन आप हमारी बात क्यों नहीं मान रहे हैं सरकार से? आप लोगों के न्यूज के माध्यम से हम कहना चाहते हैं क्या बात हमारी सरकार देखो, इसमें जो यात्री है उनका क्या कसूर है? अब देखिए, उनको ये सरकार को सोचना चाहिए ना। अब जब हम इस तरह के, हम जब या इनको रोकेंगे नहीं या गाड़ियों को रोकेंगे नहीं, सरकार में हमारी बात कैसे सुनेगी? यहाँ सरकार तक बात कैसे पहुंचेगी? हम रोकेंगे नहीं बस को, तो जब ट्रेन को रोकेंगे नहीं, चक्का जाम नहीं करेंगे, तो सरकार तक बात कैसे पहुंचेगी? तो कहा गया कि रेल मंत्री ने सबकी बातों को मान लिया, रेल मंत्रालय ने। रेल मंत्री सिर्फ तारीख पे तारीख देते हैं और कुछ नहीं करते हैं, छात्रों को भयभीत भ्रम में करके रखते हैं। सरकार बताए कितना रोजगार दिए हम, बताए हमें सरकारी रोजगार कितना मिली है? जो पढ़ाई कर रहे हैं वो तो जानते हैं ना, पढ़ाई क्या चीज़ है? दुनिया का दो काम सबसे कठिन है, एक पढ़ाई और एक किसानी, जो दोनों मेहनत का काम है, लेकिन मेहनत का फल दे सरकार हमें कहाँ दे रही है? कुछ नहीं दे रही है, सिर्फ तारीख देगी। 24 फरवरी ग्रुप डी का एग्जाम है ना जी, 24 फरवरी को एग्जाम नहीं होगा, लिख कर ले लीजिए। जो पढ़ रहा है वो क्या करेगा? अभी चार पाँच कैसे पता कि नहीं होगा? कोरोना है, यूपी चुनाव कोरोना में है, लेकिन यार ग्रुप डी का एग्जाम नहीं होना है कोरोना में। यूपी चुनाव आप ले रहे हैं तो कोरोना में, पता चल गया कि नहीं होगा? अरे तो कुछ प्रक्रिया तो दिखाए, एडमिट कार्ड निकाल के तो दिखाए, ऐसे थोड़े एग्जाम ले लेंगे, डेट दे दिए फिर उस डेट को बढ़ा देंगे 6 महीने बाद। मतलब छात्रों को शांत करने के लिए ये बात कही गई है। जी हाँ, इसीलिए उग्र प्रदर्शन हो रहा है। ये उग्र प्रदर्शन 24 फरवरी तक चलेगा। ग्रुप डी का एग्जाम किसी भी हालत में लेना पड़ेगा। उन्होंने बोला है कि ग्रुप डी का पीटी होगा, मेंस होगा, इंटरव्यू होगा, फिजिकल होगा, मेडिकल होगा। आईएएस का एग्जाम है, आईएएस का एग्जाम है। जो साला गरीब लड़का पढ़ रहा है आपको भैंस बैल बेच के झोपड़ी में रहकर, क्या वो आईएएस का एग्जाम दे रहा है? ऐसा कीजिए, आप आईएएस लिख दीजिए, आईएएस ग्रुप डी बाई यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। सरकार क्या दिखाना चाहती है इतनी हार्ड एग्जाम लेकर? बहुत घूस से नौकरी ले रहा है,
और जो पढ़ रहा है वो तो बीच का रह गया, इसे बनिया पढ़ाई ना करे। मोदी सरकार का कहना है पढ़ाई करो, ये बीएससी एमएससी करो और पकौड़े बेचो, ये कहना चाहती है ना मोदी सरकार। हम लोग पकौड़े बेचने के लिए बीएससी एमएससी करते हैं क्या, कि सरकारी जॉब लेने के लिए, अच्छा जॉब लेने के लिए बी एस एम एस सी करते हैं और क्या। आम जनता को हम परेशानी कर रहे हैं, हम सरकार तक बात पहुंचाना चाहते हैं। हम लोग का एक ही मुद्दा है, ये उग्र प्रदर्शन हम नहीं करेंगे, हमारा सरकार बातें मान ले और कुछ हम लोग करने नहीं जा रहे हैं। ये सर, ये अगर हमारे खिलाफ मंत्री जी बोलते तो ये भ्रष्ट मंत्री हो जाते, ये भ्रष्ट मंत्री हो जाते। इनको बोलते कि तू मंत्री है तेरे को हटा दूंगा, क्या तू छात्रों के खिलाफ बोल रहा, कोई मंत्री बोल रहा है हम लोग के खिलाफ। ये सुशील मोदी हो गए, ये ललन सिंह जी हो गए, ये सिर्फ दिखावे के लिए ट्वीट करते हैं। तेजस्वी यादव को बातों को समझना चाहिए। तेजस्वी यादव कहाँ, वो तो ट्वीट भी नहीं किए हैं। तेजस्वी यादव ने परसों ट्वीट किया था। क्या ट्वीट किया था? तेजस्वी यादव को मैं इतना कहना चाहूंगा कि वो लीडर ऑफ अपोजिशन का मतलब समझे, लीडर ऑफ अपोजिशन की पावर क्या होती है। ऐसे वैसे घूमने से नहीं चलेगा, छात्रों का साथ देना चाहिए और हमारे साथ संघर्ष करना चाहिए। हम चाहते तो तेजस्वी यादव हमारे लिए काम करते, बेरोजगारी यात्रा निकालते तो हम उन्हें मुख्यमंत्री बनाएंगे। हमको भी ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए जो छात्रों की बातों को सुने। ये वही धरती है जहाँ से जेपी ने 1975 में तख्ता पलट कर दिया था भारत सरकार का, ये वही धरती गांधी मैदान है। यहीं से तख्ता पलट हुई थी। इंदिरा गांधी को भी घमंड था और वो घमंड चूर किया था, किसने किया था तो जयप्रकाश नारायण जी ने किया था। चलिए तो देखिए किस तरह से छात्रों में आक्रोश है और ये लगातार पूरे पटना को बंद करने के लिए गांधी मैदान से जो है गांधी मैदान के रास्ते ये डाक बंगला चौराहा की तरफ जा रहे हैं, रोक रहे हैं लोगों को और कह रहे हैं कि आज बिहार बंद है, आप दुकानें क्यों खोले हुए हैं, गाड़ी सड़कों पर क्यों चल रही है। देखिए किस तरह से आयशा के जो भी छात्र नेता हैं वो आज पटना कॉलेज से गांधी मैदान के रास्ते डाक बंगला चौराहा जा रहे हैं पटना बिहार बंद को सफल बनाने के लिए, लेकिन छात्रों को सहयोग इनका इनको कितना मिल रहा है ये देखने वाली बात होगी। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ, आप देख रहे हैं द इंडिया टॉप।